अगर बैठ करके पूरी बात सुन लीजिएगा तब आपको ठीक लगेगा। आइए जो सुनिए, किया कौन? अरे हम तो सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी ना सारे पार्टियों को, आप लोग भी जब साथ थे, ये भी सब सबको लोगों को बुला करके हम जो बैठक किए थे और बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना का जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। सुनिए बोलने दीजिए भाई, गलत तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। अरे सुनिए, अरे आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, आइए सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए, अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं, लेकिन अरे बैठ जाइए आराम से, आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे, ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे 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 बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद ना महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू, इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था, पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया तो इसलिए जो भी होता था 50%, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और ये सब की संख्या जो बढ़ी तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था, उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे तो उनका जो भी था 14% वो रहा और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, अब इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और हर परिवार के बारे में जानकारी ली और उसमें पता चला कि 94 लाख और उसमें चाहे वो अपर कास्ट के हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको देखा गया और जो 94 लाख गरीब आए और उसके लिए हम लोगों ने सरकार से तय कर दिया कि हर परिवार को 2-2 हजार हम देंगे और उनको देना शुरू कर दिया अब 5 साल के लिए और इसके बाद और 9वें नंबर पर करने के लिए भी हम लोगों ने किया तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही ना किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं, कुछ
आइडिया था। अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे, एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं कैसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि ये ठीक नहीं है, और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से, आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। आई लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे कहे के लिए लगे हुए हैं।